क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारतीय टीम को पिछले 5 साल से बतौर बैटिंग कोच सेवाएं देने वाले संजय बांगड़ को अब हटा दिया गया है और उनकी जगह पर विक्रम राठौर को नया बैटिंग कोच चुना गया है। अब ऐसे में बीसीसीआई ने एक बड़ा और नया खुलासा किया है और वो ये है कि खुद को हटाए जाने से नाराज संजय बांगड़ विराट कोहली और देवांग गांधी के रूम में जबरदस्ती घुस गए और हंगामा कर दिया। यही नहीं, अब बीसीसीआई इस पर बेहद कड़ी कार्रवाई भी करने जा रहा है। तो आपको बताते हैं क्या क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। आप भी संजय बांगड़ को लेकर कमेंट जरूर करें। तो भारत के लिए नए हेड कोच का चुनाव करने की जिम्मेदारी कपिल देव की समिति के पास थी और कपिल देव की समिति ने रवि शास्त्री को ही दोबारा हेड कोच बनाया। इसके बाद सपोर्टिंग स्टाफ को चुनने की जिम्मेदारी टीम इंडिया की मुख्य चयन समिति को दिया गया, जिसमें एमएसके प्रसाद, देवांग गांधी और गगन खोड़ा शामिल थे। अब चयन समिति ने बॉलिंग और फील्डिंग कोच को तो नहीं बदला, लेकिन बैटिंग कोच को बदल दिया और 5 साल तक टीम के साथ रहने वाले संजय बांगड़ को निकाल दिया, जिसके बाद बांगड़ बेहद नाराज हो गए। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक जिस दिन बैटिंग कोच के लिए इंटरव्यू हुआ था उसी दिन संजय बांगड़ वेस्टइंडीज में मौजूद चयनकर्ता देवांग गांधी के कमरे में जबरदस्ती घुस गए थे और उन्हें हटाने को लेकर हंगामा किया था। यही नहीं, बांगड़ ने देवांग गांधी से ये भी कहा था कि अगर उन्हें हटाया गया तो एनसीए में उन्हें कहीं मौका दिया जाए। यही नहीं, संजय बांगड़ इसके बाद कप्तान विराट कोहली के भी रूम में गए। अधिकारियों के मुताबिक विराट ने बांगड़ को कहा कि उनका कोच के चयन में कोई दखल नहीं है, ये काम चयनकर्ताओं का है। तो संजय बांगड़ ने विराट कोहली के साथ भी बदतमीजी की थी। अब इस पर बीसीसीआई ने कोच रवि शास्त्री से डिटेल रिपोर्ट मांगी है और माना जा रहा है कि संजय बांगड़ पर बड़ी कार्रवाई बीसीसीआई कर सकता है। अब संजय बांगड़ चौथे नंबर की समस्या को तो हल नहीं कर पाए, ये सच है, लेकिन हटाने पर इस तरह का गंदा रिएक्शन बेहद हैरानी भरा है। तो आपका बांगड़ को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।